हेलो दोस्तों, आज आपको ये वीडियो के अंदर जो दिखाऊंगा, तो दोस्तों ये जो टीवी है ये 14 इंची का नॉर्मल टीवी है और ये क्लैरियन कंपनी का टीवी, बट इसका जो प्रॉब्लम आप अच्छा करके देखिए। मैं आपको सप्लाई देके दिखाऊंगा, जिस तरह मैं ये वीडियो के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सप्लाई देने का बाद इसका जो सीरीज बल्ब अप डाउन हो रहा है। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है, किस तरह ये प्रॉब्लम को रिपेयर किया जाता है। और ये दोस्तों क्लैरियन कंपनी का टीवी है, बट दोस्तों इसके अंदर चाइना पीसीबी है। तो प्रैक्टिकल वीडियो, ये वीडियो के अंदर आपको बहुत अच्छा करके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा इस तरह प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। तो इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तो मेरे लिए न्यू टेक्नीशियन होगा तो आपका अच्छा सा नॉलेज मिल जाएगा। तो दोस्तों टीवी का बैक कवर मैं ओपन किया, अभी ओपन करने के बाद अच्छा करके काम करने के लिए जो करना पड़ेगा, ये जो वीडियो टू लाइन का जो पॉइंट है फर्स्ट ही ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जिस तरह मैं रिपेयर करता हूँ, देखिए ये अलग अलग जो वायरिंग है स्पीकर का, पैनल का, सेंसर का, ये सब वायर को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद ये एसी कॉर्ड और डिगसिंग कॉल का जो कॉर्ड है ये सब ओपन कर दिया, ठीक है। करने के बाद इसका कुछ भी कनेक्शन अभी नहीं रखा हूँ, तो अलग से एसी कॉर्ड कनेक्शन करने के बाद टेस्ट करना पड़ेगा अच्छा तरह से काम करने के लिए। कभी कभी जो मेन एसी कॉर्ड होता है वो मेन स्विच का साथ कनेक्शन रहता है, इसीलिए प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसलिए मेरा ये शॉप के अंदर अलग से एसी कॉर्ड कनेक्शन करके टेस्ट करूँगा। तो उसका पहले आप नॉर्मल सा कुछ पार्ट्स कूल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप बाई स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों अभी इसी टाइम मीटर को मैं क्वांटिटेटिव मोड बाजार मोड पर मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए बाजार बज रहा है। तो दोस्तों अभी इसी टाइम फास्ट आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है, देखिए ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया। तो इसी का रीजन से भी इसी तरह प्रॉब्लम हो सकता है, तो कोई बात नहीं, ये जो शॉर्ट ट्रांजिस्टर है देखिए पूरा बीप साउंड आ रहा है, तो ये शॉर्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों रिप्लेस करने का पहले बहुत कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर करूँगा, आप शुरू से वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए। तो दोस्तों चलिए आपका सामने मैं ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक न्यू ट्रांजिस्टर लगाऊँगा। तो दोस्तों न्यू ट्रांजिस्टर लगाने का पहले जो कुछ चेक करना पड़ेगा, जिस तरह आपको चेक करना पड़ेगा आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत कमेंट के अंदर मैं देखा कि सर मैं आउटपुट ट्रांजिस्टर चेंज किया, आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट था और वो लगाने के बाद फिर भी शॉर्ट हो गया, तो क्या करना पड़ेगा, कौन पार्ट चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखेगा। तो इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर मैं बताता हूँ कि मेरा जो वीडियो है वो वीडियो के अंदर, अब जितना वीडियो यूट्यूब पर मैं अपलोड किया, एक एक वीडियो के अंदर आपको ज़रूर अलग कुछ नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं ये आउटपुट ट्रांजिस्टर को सोल्डरिंग ओपन किया और स्क्रूप जो है ये आउट करने के बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर को बाहर करूँगा। बाहर करने के बाद आपका एक बार चेक करके देखाऊँगा कि ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं मीटर लेकर आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी पोजीशन पर आपको देखा है कि आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया। और दोस्तों वीडियो करने का समय, तो दोस्तों सबका पता है कि कस्टमर ये रिपेयरिंग का समय सामने जब वो बहुत कुछ बात करता है और बात करते करते काम भी हो जाता है, तो उससे इसीलिए मैं वीडियो को कभी कभी एडिट कराना पड़ता है। मैं उसका ओरिजिनल साउंड को मैं ऑफ कर दिया क्योंकि बहुत नॉइस था और बहुत कुछ, यार मेरे पास जो दोस्त और जो टीवी का जिसका टीवी है वो भी है, ये सब अलग कुछ बात कर रहा है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ कि आउटपुट ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट है, वो ट्रांजिस्टर को मैं बाहर कर दिया, अभी मैं न्यू ट्रांजिस्टर नहीं लगाया। अभी एक बार देखूंगा कि वोल्टेज यहाँ पर कितना आ रहा है। तो दोस्तों देखिए मैं सप्लाई देकर देख रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, जो ESC सप्लाई लाइन है, ठीक है। तो आपको अच्छा करके दिखाऊंगा, आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए, इसका ESC सप्लाई लाइन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आउटपुट ट्रांजिस्टर तो मैं शॉर्ट ट्रांजिस्टर को ओपन किया, क्यों वोल्टेज नहीं है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाने के लिए वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको अच्छा करके आउट दिखाऊंगा। देखिए इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर ओपन है आपका सामने। फिर भी एक बार सप्लाई देके देखा तो देखिए इसी तरह जो सीरीज बल्ब फिर भी अप डाउन कर रहा है, ठीक है, अप डाउन कर रहा है। और ESD सप्लाई ये नहीं है, ये जो ये अलग से सप्लाई है, बट ESD सप्लाई अभी जीरो है, ठीक है। और ये अलग अलग कुछ सप्लाई मिल रहा है, आप देख सकते हो ये अलग अलग जो सप्लाई, ये कुछ कुछ सप्लाई मिल रहा है, मतलब इसका पावर सेक्शन ओके है। ओनली इसका 110 वोल्ट लाइन वोल्टेज ड्रॉप है, मतलब ये सेक्शन का अंदर कुछ पार्ट खराब हो सकता है। तो इसीलिए ये जो रेजिस्टेंस है, ESD सप्लाई लाइन का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करके आपको एक बार दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो तरीका आपको बहुत बहुत वीडियो के अंदर ये तरीका दिखाता हूँ कि ये जो सप्लाई लाइन है, ठीक है, देखिए आउटपुट ट्रांजिस्टर अभी ओपन है और बीच में जो रेजिस्टेंस है ESD सप्लाई का, ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको इसी टाइम दिखाना चाहता हूँ कि ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, ये शॉर्ट ओपन करने के बाद तब भी ये जो ESD सप्लाई का वोल्टेज ड्रॉप, तो इसका रीजन क्या है कि आपका एक बार ये मीटर को कॉन्टिन्यू मोड पर रख के दिखाना चाहता हूँ कि देखिए बार्जर बाज रहा है। और अभी इसी कंडीशन पर ये जो ESD सप्लाई का डायोड देखिए, ये शॉर्ट बता रहा है, मतलब ये जो लाइन जा रहा है देखिए ESD का अंदर भी जा रहा है, मतलब ये जो ESD लाइन है यहाँ से ये नेगेटिव भी शॉर्ट बता रहा है। तो इसी कंडीशन पर वोल्टेज ESD पर नहीं शो हो रहा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पार्ट प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि ये जो ESD सप्लाई लाइन का अंदर जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को ओपन करना पड़ेगा। करने का बाद उसका पहले आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, यहाँ से जो नेगेटिव ये भी शॉर्ट है, ठीक है। और ये ट्रांजिस्टर का ऊपर पिन भी शॉर्ट है, नीचे पिन भी शॉर्ट है, पूरा लाइन ही शॉर्ट है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर मैं अभी ओपन किया, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट है जो आपको दिखाया। तो अभी चलिए ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये जो ESD सप्लाई लाइन का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को मैं अभी ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अभी पता चल जाएगा कि ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है। देखिए मीटर को मैं क्वांटिटी मोड पर सिलेक्ट करके ही रखा हूँ। अभी देखिए ये जो डायोड तब भी ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। और ये जो ESD सप्लाई लाइन को मैं ओपन किया, ये शॉर्ट नहीं है, मतलब ये जो ESD सप्लाई लाइन है इसका सब नेगेटिव का शॉर्ट देखिए रिमूव हो गया, ठीक है। ESD सप्लाई लाइन का साथ जो नेगेटिव ये रिमूव हो गया, और नेगेटिव का साथ ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर कलेक्टर पिन ये भी शॉर्टिंग रिमूव हो गया। ओनली ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का साथ ये देखिए रेजिस्टेंस का ये पहला वाला पॉइंट ये शॉर्ट बता रहा है। ये रेजिस्टेंस यहाँ से मैं ओपन किया, इसका मतलब शॉर्ट कहाँ पर है, ये डायोड खुद शॉर्ट हो सकता है, और इसका अंदर बीच में एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और चलिए ये जो फीडबैक लाइन है, यहाँ से जो लाइन इधर आ रहा है, तो ये शॉर्ट नहीं होता है। तो क्या देखना पड़ेगा, ये डायोड को एक बार देखना पड़ेगा और ये कैपेसिटर को एक बार देखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको PCB उल्टा करके भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर कैपेसिटर कुछ भी फूला हुआ नहीं है, और इसका नीचे ये जो डायोड है, तो चलिए ये डायोड को एक बार ओपन करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिए। न्यू टेक्नीशियन होगा तो अलग से नॉलेज मिल जाएगा। देखिए डायोड को पिन आपका सामने मैं करके दिखाऊंगा, मेजर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों कैपेसिटर का भी खुला हुआ नहीं है,
तब भी दोस्तों कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। फर्स्ट ये डायोड को मैं टारगेट किया, इसीलिए डायोड को एक बार ओपन करके देखूंगा कि डायोड अधिक टाइम शॉर्ट हो जाता है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, ये प्रैक्टिकल वीडियो है। देखिए ये डायोड को ओपन किया, डायोड तो दोस्तों आप देख सकते हो नीचे साइड ये फट गया, ठीक है। और चलिए मीटर का अंदर मीटर करके भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि ये डायोड शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों अभी देखिए इसका क्वांटिटी आ रहा है, और यहाँ पर टच करने के बाद देखिए, ये देखिए डायोड शॉर्ट बता रहा है। तो चलिए ये डायोड को चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पर कौन सा डायोड लगाना पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। और आपको दिखाना चाहता हूँ अभी इसी टाइम ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ ये देखिए शॉर्टिंग रिमूव हो गया, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, मतलब यहाँ पर डायोड लगाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर आउटपुट ट्रांजिस्टर भी एक लगाना पड़ेगा, उसका पहले ये डायोड लगाने का बाद यहाँ पर आपको एक बार वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा प्रॉपर वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, मान लो ये रेजिस्टेंस ओपन करने के बाद इसका शॉर्ट रिमूव हो गया, तो ये सेक्शन का फॉल्ट आपको बताता है कि ये डायोड शॉर्ट हो सकता है और ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है। बट मान लो ये रेजिस्टेंस ओपन करने का बाद भी, तो दोस्तों ये डायोड जो आपको ओपन करके दिखाया, मान लो ये डायोड ओपन करने का बाद भी इसका जो शॉर्टिंग है ये रिमूव हो गया, और ये रेजिस्टेंस कनेक्शन करने के बाद शॉर्ट इसका अंदर आ रहा है, तो इसका जो रीजन है कि ये जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर लाइन है इसका अंदर कैपेसिटर रहता है नेगेटिव के साथ, ये भी शॉर्ट हो सकता है, ये स्टिक खुद शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर एक कैपेसिटर है, ये भी शॉर्ट हो सकता है। तो चलिए एक डायोड ढूंढ के देखता हूँ, और उसके बाद डायोड लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं RU3 डायोड लगाया, ठीक है, आप RU2 लगा सकते हो, बहुत कुछ डायोड यहाँ पर लगा सकते हो। तो दोस्तों ये जो चाइना PCB है इसका अंदर बहुत कुछ पार्ट्स है, तो सेम टू सेम मार्केट का अंदर हो सकता है, हर जगह पर नहीं मिलता है। तो कौन पोजीशन पर कौन सा पार्ट्स आप सब्स्टिट्यूट पार्ट्स लगा सकते हो, उसका ऊपर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के रखा हूँ, वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, नहीं तो ये वीडियो का लास्ट में फॉलो कीजिए, ठीक है, इंड स्क्रीन पर वो वीडियो दे दूँगा। और चलिए अभी ये ट्रांजिस्टर लगाऊंगा। तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर 2499 ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, आप 1803 भी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। लगाने का पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर यहाँ पर था और ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो इसका रीजन क्या है। इसका बहुत कुछ रीजन हो सकता है, हो सकता है ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद फिर भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए फर्स्ट जो देखना पड़ेगा कि ये जो सप्लाई ESD पर आ रहा है, ये वोल्टेज हाई तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाएगा तो ये आउटपुट ट्रांजिस्टर पर चला जाएगा और फिर भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा। और जब ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का रीजन से बीच में जो 2.2 ये जो फ्यूजल रेजिस्टेंस रहता है ये ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस जब ओपन नहीं होता है तो उसका बाद ये जो डायोड है डायोड के ऊपर लोड पड़ जाता है, और दोस्तों ये डायोड खुद ही शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए ये डायोड शॉर्ट हो गया, बट ये रेजिस्टेंस खराब और ओपन नहीं हो रहा है, ये एक कंडीशन है। बहुत PCB के अंदर देखा जाता है ये जो नेगेटिव पॉइंट है ये जम्पर है नेगेटिव के साथ, कुछ PCB के अंदर यहाँ से यहाँ तक एक फ्यूजेबल 2.2 रेजिस्टेंस देखा जाता है, तो वो रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है, बट यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और चलिए, और आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने का जो रीजन है कि जो योग कॉल है TV के अंदर जो योग कॉल रहता है, योग कॉल शॉर्ट होने का रीजन से भी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाता है, बट चाइना PCB के अंदर इस तरह प्रॉब्लम अधिकतर नहीं आता है। तो इसीलिए बैंडेड PCB होगा तो ये जो योग कॉल का पॉइंट है, ये योग कॉल का जो हॉरिजॉन्टल पॉइंट है, ये पॉइंट ओपन करके आपको सप्लाई देके देखना पड़ेगा ये ट्रांजिस्टर न्यू लगाने का बाद। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस मैं ओपन करके ही रखता हूँ, आपको एक बार क्लियर करके दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो पॉइंट है अभी ओपन है, ठीक है, ये जो पॉइंट है अभी ओपन है, ये रेजिस्टेंस बाद में कनेक्शन करूँगा, फर्स्ट क्या करूँगा
कि वोल्टेज टेस्ट करके देखूंगा। डायोड से मैं लगाया तो आपको वोल्टेज टेस्ट करने का पहले जो सही तरीका है, ये 100 वाट बल्ब आपको लेना पड़ेगा और आपको ये जो डायोड का साइट है जिस पॉइंट से सप्लाई आउटपुट होता है यहाँ पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और एक पॉइंट का आपको नेगेटिव के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है आप पार्टी का घर पर काम कर रहे हो, आपका पार्ट 100 वाट बल्ब नहीं है, तो आप नॉर्मल सा ये पॉइंट पर एक बार वोल्टेज चेक करके देखिए। वोल्टेज थोड़ा सा 110 से थोड़ा सा वोल्ट हाई हो सकता है, 20-25 इसी तरह वोल्ट हो सकता है। बट चलिए, मेरे पास लैंप है, ये डैमी लोड जो 100 वाट बल्ब है, ये लगाने का बाद आपको एक बार वोल्टेज टेस्ट करके देखाऊंगा। मीटर को 200 डीसी रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, तो चलिए अभी सप्लाई दे देता हूँ और यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, 130 वोल्ट, मतलब ये वोल्ट प्रॉपर है, ठीक है, वोल्टेज हाई नहीं हो रहा है। और ये जो डैमी लोड देखिए जल रहा है, अलग अलग वोल्टेज भी आप टेस्ट करके देख सकते हो। देखिए 28 वोल्ट, ये परफेक्ट है। रेगुलेटर सप्लाई 12 वोल्ट परफेक्ट है और ये साउंड सप्लाई 16 वोल्ट 18 वोल्ट के आसपास है, तो ये भी परफेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा वोल्टेज कम बेसी हो सकता है, चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया। ऑफ करने का बाद क्या करूँगा कि ये रेजिस्टेंस कनेक्शन करूँगा और यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा के चेक करूँगा। तो उसका बाद फिर भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो क्या हो सकता है। इसका और एक जो रीज़न है कि ESD, ये जो ESD है, ESD खुद शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि चाइना जो लोकल PCB होता है, लोकल PCB के अंदर अधिकतर ESD फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। तो और दोस्तों, अभी तो आपको वोल्टेज चेक करके देखा है कि वोल्टेज नॉर्मल है, कुछ भी वोल्टेज हाई नहीं है, प्रॉपर वोल्ट है ESD सप्लाई। बट वोल्टेज हाई मिलेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये भी एक बात है। तो वोल्टेज हाई होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो दोस्तों वोल्टेज हाई होगा तो दोस्तों ये चासिस के अंदर मॉड्यूलर है, अब देख सकते हो ये पावर मॉड्यूलर, अधिकतर ये मॉड्यूलर फॉल्ट हो जाता है। मान लो नॉर्मल जो PCB जो उसका ओरिजिनल पावर सप्लाई है, तो ओरिजिनल पावर सप्लाई होगा तो और वोल्टेज हाई मिलेगा तो क्या देखना पड़ेगा कि ये जो 110 वोल्ट लाइन के अंदर जो फीडबैक लाइन है, यह से जो कनेक्शन, ये तीनों रेजिस्टेंस और ये जो ऑप्टोकपलर सेक्शन है, इसके अंदर कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए रेजिस्टेंस को ठीक से लगाना पड़ेगा और ये जो न्यू ट्रांजिस्टर D2499 ये भी अभी कनेक्शन कराना पड़ेगा। चलिए पूरा कनेक्शन करने के बाद और सोल्डरिंग करने का बाद आपको सप्लाई देने का समय मैं आपको वीडियो करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसी टाइम मैं आपको जो बताया कि रेजिस्टेंस कनेक्शन कर दिया, डायोड न्यू लगाया और आउटपुट ट्रांजिस्टर मैं न्यू लगाया, ये पुराना वाला डायोड ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो अभी मैं सप्लाई नहीं देके टेस्ट किया, आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तो इसीलिए ये PCB को सीधा कर लेता हूँ। देखिए अभी इसका साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं किया, ओनली ये AC कॉर्ड है, ये मैं अलग से कनेक्शन किया। और AC कॉर्ड का जो पॉइंट होता है, ये जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ का पास ही AC कॉर्ड इनपुट का पॉइंट है। बट यहाँ पर सेम टाइप एक पॉइंट है जो बहुत वीडियो के अंदर बात है, तो दोस्तों ये जो PTC है, PTC का पास, मतलब ये जो कनेक्शन होगा कि ये डिगोसिंग कॉइल का, डिगोसिंग मतलब क्या है, पिक्चर ट्यूब का साथ जो मोटा वाला वायर दिखा जाता है, जिसका ये जो पॉइंट है इसका कनेक्शन होता है, ठीक है। चलिए ये सब लगाने का भी जरूरत नहीं है, ओनली AC कॉर्ड में कनेक्शन किया। तो अभी सप्लाई देके देखूंगा क्या रिजल्ट आता है, ये ट्रांजिस्टर फिर भी शॉर्ट हो जाता है कि नहीं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। इसीलिए आपको सामने डायरेक्ट सप्लाई देके देखूंगा, और ये शॉर्ट हो जाएगा तो, फिर भी शॉर्ट हो जाएगा तो इसका तीन रीजन मेन हो सकता है। एक रीजन तो आपको बात है ESD सप्लाई इसका ओके है, और मैं कुछ भी नहीं टेस्ट किया, जो उसका बाद प्रॉब्लम हो सकता है, ये 1600 वाला बूस्ट, ये प्रॉब्लम हो सकता है ओपन हो जाएगा तो दोस्तों ये 1600 वाला बूस्ट पे ओपन हो जाएगा तो क्या होगा कि दोस्तों ESD बहुत हाई बनेगा, अचानक ESD का आउटपुट चरमर करके, तो दोस्तों ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। और उसका साथ ESD खुद फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, ESD के आसपास कुछ लीक हो सकता है, जिसका जो फायरिंग होता है, फायरिंग का वजह भी आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। चलिए जो कुछ आएगा आपको सप्लाई देने का बाद ही पता चल जाएगा। चलिए मैं सप्लाई देता हूँ दोस्तों, मैं सप्लाई दे दिया और सीरीज बल्ब एक बार ऑन होने के बाद स्टॉप हो गया,
तो स्क्रीन, तो दोस्तों कुछ भी फायरिंग अभी नहीं आ रहा है। और टीवी का अंदर दोस्तों देखिए टीवी चालू हो गया, अब देख सकते हो टीवी का अंदर लोगो आने के बाद ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों एक्चुअली ये ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है, तो इसीलिए लोगो आने के बाद ये चला गया। तो दोस्तों चलिए पिक्चर देख के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका ऑडियो वीडियो ये पीछे साइड जो पीसीबी का साथ रहता है ये वन है, ठीक है, और जो वायर का साथ कनेक्शन रहता है इसी तरह ये जो साइड वाला ये टू है, ठीक है। तो चलिए कुछ भी एक पॉइंट का साथ कनेक्शन करके देखना पड़ेगा। इसका पहले सप्लाई को एक बार ऑफ करके आपको एक बार बताना चाहता हूँ। आपको इसी टाइम ये ESD को टच करके देख सकते हो। दोस्तों ESD ओवर हीट होगा तो नॉर्मल हीट कभी कभी हो सकता है आधा घंटा एक घंटा चलने के बाद, बट साथ साथ ओवर हीट होगा तो इसी के भी एक रीजन हो सकता है कि ESD फॉल्ट। और दोस्तों ESD अभी नॉर्मल हीट है, कुछ भी हीटिंग नहीं है। आउटपुट ट्रांजिस्टर भी नॉर्मल है, कुछ भी हीटिंग नहीं है, मतलब इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए सब कुछ कनेक्शन करने के बाद ऑडियो वीडियो देख के देखूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके पहले चलिए फिर भी एक बार सप्लाई देने के बाद देखिए कुछ भी फायरिंग नहीं आ रहा है। और स्क्रीन पर देखना पड़ेगा लाइट आता है कि नहीं। देखिए दोस्तों क्लैरियन का लोगो ये आ गया, ठीक है दोस्तों। और कुछ टाइम का अंदर तो दोस्तों ब्लैक स्क्रीन सेटिंग है, ये भी ऑन पर देखिए ये सेटिंग्स है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये चला गया तो वीडियो देख के ही देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो इनपुट करने के बाद आपको दिखाता हूँ।